जैसे कि आप देख सकते हो हमने मंगवा ली है सन डिस्क की E61 करके मॉडल है और बेसिकली इसमें आपको 1050 Mbps की स्पीड मिलती है। एक इससे लोअर वेरिएंट जो कि 850 वाला भी आता है, बट हमने इसलिए ये मंगवाया क्योंकि उसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे आपका स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मेंशन की हुई है और जो 8000 वाली है उसमें भी कनेक्ट होती है बट मेंशन नहीं है। हालांकि इसके अंदर में 5 ईयर की वारंटी एंड वाटर असिस्टेंट जैसे फीचर्स मिलते हैं, इसलिए हम इसको पहले अनबॉक्स करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरह की जो SSD है वो आपको सीधी कर। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है और ये फिनिश जो है वो प्लास्टिक फिनिश है आप देख सकते हो और ये किचन में आप हैंगिंग भी कर सकते हो। एंड उसके बाद ये कुछ मैनुअल है एंड उसके बाद हमें ये Type-C to Type-C केबल मिलता है और बीच में आपको USB वाला मिलता है अगर आपको PC के अंदर कनेक्ट करनी हो। तो हम बेसिकली कनेक्ट करने वाले हैं iPhone के अंदर भी कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे। मेरे पास iPhone 15 Pro Max है एंड हम Android में हमारे पास OnePlus वाले फ़ोन में भी आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रिमूव कर दे रहे केबल, ठीक है, यहाँ से हमने कनेक्ट कर लिया है एंड अब हम यहाँ पे आईफोन में कनेक्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने कनेक्ट कर ली है एंड आपको मैं दिखा भी देता हूँ अंदर कैसे आती है। देखो कनेक्ट, हाँ फाइल्स ओपन कर, फाइल्स ओपन कर। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे एक्सट्रीम SSD करके आपको दिखा देता हूँ, एक्सट्रीम SSD करके मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे SSD जो है वो आ चुकी है एंड इसके अंदर जो फाइल्स है वो आपको दिख रही होगी। तो इसमें कुछ भी कनेक्शन के लिए हमको कुछ भी OTG ऐसे कुछ ऑन करना नहीं पड़ता है आईफोन में और एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर हमें करना पड़ता है। तो मैं आपको एंड्रॉयड डिवाइस भी दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें भी मैंने कनेक्ट कर लिया। आई थिंक इसमें कवर करने रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे मेरी डिवाइस स्टोरेज आ गई और यहाँ पे आप देख सकते हो OTG में ऑटोमेटिकली मेरी 0.98 TB आ गई। हालांकि 1 TB की मेरी SSD है और आप देख सकते हो 68 MB यूटिलाइज हो चुकी है। आप इसको ओपन करके भी देख सकते हो। तो फिलहाल तो ब्लैंक है, ओनली सन डिस्क के जो मैनुअल जो है वही फाइल्स आपको दिख रही होगी। तो गाइस ये जो SSD है एक पोर्टेबल SSD है जो कि एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, iPad के लिए एंड काफ़ी अच्छा, और अगर आपको PC में कनेक्ट करनी है तो आप USB से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड देन अगर आपके पास Type-C पोर्ट है आपके लैपटॉप में तो आप लैपटॉप में भी मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। Type-C पोर्ट भी है एंड नॉर्मल पोर्ट भी है, तो मैं आपको Type-C में पहले कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने कनेक्ट कर ली है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी 931 GB की एक्सटर्नल SSD शो हो रही है। एंड अब मैं आपको USB से भी दिखा देता हूँ, आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे भी हमारी जो एक्सटर्नल SSD है वो आ चुका है। तो ये मल्टीपल कनेक्टिविटीज के साथ आती है गाइस, आप देख सकते हो ये हमारी अभी हमने USB में कनेक्ट किया एंड हमने एंड्रॉयड में कनेक्ट किया, आईफोन में कनेक्ट किया। तो काफ़ी बेटर ये प्रोडक्ट बनाया है सन डिस्क का। और ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू गैजेट के साथ। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए।